आनंद ब्रज के लिए उद्धव जी जा रहे हैं। बहुत सुंदर ढंग से अब उद्धव जी जा रहे हैं। प्राप्तौ नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावशौ छन्नयानः प्रविशताम पशुन खोर देरुभिः। श्रीमान प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम पशुन नाम खोर देरुभिः। शोभा संपन्न उद्धव श्रीमान, श्रीमान का मतलब होता है जो शोभा से संपन्न है, स्त्री से जो युक्त है, श्रीमत श्रीमान ये सब बहुत सुंदर शब्द है। श्रीमान का मतलब यहाँ है श्रीमत श्रीमान, श्रीमान का मतलब हुआ जैसे यहाँ आया है इस श्लोक में प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, श्रीमान का अर्थ यहाँ है जो शोभा से संपन्न है, स्त्री से जो युक्त है। वे उद्धव विभावसौ निम्लोचति प्रविशताम, सूर्य के अस्त होते समय प्रविशताम ब्रज में लौटते पशु नाम पशुओं के खुर रेणु भी छन्न घान, पशुओं के खुरों से उड़ती धूलि से ढके रथ से नंद ब्रजम प्राप्तः, नंद ब्रज में पहुंच गए। उद्धव जी कब पहुंचे? शाम का समय था और उस समय ब्रज में गायें चर करके आ रही थी। ब्रज के गौओं के खुर से जो ब्रज रज उड़ रहा था वे उस रथ पर पड़ गया और ब्रज के रज से वो रथ ढक चुका था। और इसके बाद में वे नंद ब्रजम नंद के ब्रज में प्राप्तः पहुंचे। उस समय पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? जब पहुंचते हैं तो वसितार्थे भी युद्ध्यद भी नादितम सुष्म भी वृषई धावंति भीश्च वस्त्रा भी रुधो भारई स्ववत्सका। ऋतुमती गायों के लिए सुष्म भी वृषई मतवाले साणों के अभी युद्ध्यत भी चारों ओर लड़ते हुए। उस समय देख रहे हैं कि ऋतुमती जो गाय हैं उनके लिए जो सांड है मतवाले सांड आपस में लड़ रहे हैं। और नादितम हकड़ने से गुंजते स्ववत्सकान तथा अपने बछड़ों की ओर उधो भारई अयानो भार से दबी दौड़ती हुई वास्त्राभि नौ प्रसूता गायों से युक्त। उद्धव जी जब गोकुल में गए तो क्या देखते हैं नंदगांव में कि उस समय जो गायें तुरंत के ब्याई जो गाय हैं उनके थन में दूध भरा हुआ है और वे गायें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं, बेचैन हैं। धावंती भी वे गायें धावंती मतलब अपने बच्चों के तरफ दौड़ रही है, बच्चों को प्राप्त करने के लिए, बच्चों को अपने दूध को पिलाने के लिए वे भाग रहे। नौ प्रसूता वस्त्रा भी मतलब जो तुरंत के ब्याई हुई गाय हैं वे अपने बच्चों को दूध पिलाने के इच्छा से। उद्धव जी अब देखिए ब्रज की शोभा का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि जब उद्धव जी वहाँ पहुँचे हैं ब्रज में तो उस समय क्या हो रहा है कि जो ऋतुमती गाय हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो सांड हैं ब्रज के आपस में लड़ रहे हैं और जो तुरंत के ब्याई गाय हैं उनका थन जो है बिल्कुल दूध से भरा हुआ है और वे दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों की तरफ तुरंत के ब्याई हुई जो गाय हैं छोटे छोटे बछड़ों को दूध पिलाने की इच्छा से वे भाग रही हैं। इस दृश्य को उद्धव जी देख रहे हैं। इतस्ततो विलंग्यत भीड़ गोवत्सई मंडित शीत ही गो दोहन शब्दा भी रवम वेणुनाम निश्वने न च। इतः तथा इधर उधर उस समय क्या देखते हैं कि इतः इतः माने इधर ततः माने उधर गूंजते ब्रज में। उस समय गाय दुहने से जो शब्द आ रहे घर घर गाय दुहते हैं उस समय आप नज़दीक में जाकर के देखिए तो जब धार गिरता है तो बहुत सुंदर उसका आवाज़ लगता है, बहुत सुंदर शब्द होता है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ ब्रज में सभी तरफ जिधर उद्धव जी की दृष्टि जा रही है उधर इस तरह का शब्द हो रहा है। गायन्ति भीष्य कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो, इसका व्याख्या कल मैं थोड़ा सा और करूँगा, लेकिन अभी संक्षेप में बता रहा हूँ कि गायन्ति भीष्य कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलंकृता भी गोपी भी गोपै सो सुविराजितम। यहाँ पर कहते हैं कि बलकृष्णयो, बलकृष्णयो माने बलराम श्री कृष्ण के शुभानि कर्माणि गायन्ति भी, जो भगवान कृष्ण और बलराम कर्म किए हैं मंगलमय कर्मों को गाती हुई, जो ब्रज में भगवान कृष्ण और बलराम कार्य किए हैं, जो जो लीला किए हैं उन लीलाओं को कर्मणि बने, उन लीलाओं को जो कार्य किए हैं जैसे पुतना का वध, बक्कासुर का वध, शक्टासुर का वध, आघासुर का वध, धेनुकासुर का वध, जो भगवान लीला किए हैं गोपियों के साथ में कृष्ण बलराम अलापे हैं, उन सब लीलाओं को शुभानि कर्माणि गायत भी, कर्मों को गाती हुई स्वलंकृता भी भली प्रकार अभूषिता, भली प्रकार से जो आभूषित हैं गोपी भी च गोपै च सुविराजित, गोपियों द्वारा तथा गोपों द्वारा भी अत्यंत सुशोभित, गोपियाँ भी और गोप भी उन सबके द्वारा अग्नि सूर्य अतिथि गाय ब्राह्मण पितर देवताओं की पूजा से युक्त धूप तथा दीपक और मालाओं से मनोहर गोप गृहों से युक्त चारों ओर फूला हुआ वन पक्षियों तथा भ्रमर झुंडों के शब्द से गूंज रहा था। उस समय जिधर दृष्टि डाल रहे थे उधर ही इस तरह गूंज रहा था। हंस बतक आदि से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित था, वो ब्रजमंडल बहुत सुशोभित दिखाई दे रहा था। उन श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के आने पर प्रसन्न होकर के नंद जी समीप आकर के आलिंगन करके श्री कृष्ण के समान ही समझ करके उनका सत्कार किया। उद्धव जी ब्रज में जब पहुँचे तो ब्रज में देख रहे हैं कि ब्रज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर गायों के दुहने का शब्द हो रहा है, बछड़े फुदुक रहे हैं दौड़ रहे हैं, कुछ सांड आपस में लड़ रहे हैं और सुंदर सुंदर उस ब्रजमंडल का दर्शन उद्धव जी कर रहे हैं। उद्धव जी को जब नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा उद्धव को देख करके क्या किए कि वे वासुदेव धिया परिश्व ब्रज्य आर्चयत, वासुदेव धिया जैसे कृष्ण में बुद्धि होनी चाहिए, धिया माने बुद्धि और वासुदेव माने कृष्ण, जैसे कृष्ण को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए वैसे ही उद्धव जी को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए उद्धव को देख करके और उनको पकड़ करके आलिंगन करने लगे, लगा कि उनका बेटा ही आ गया है, कृष्ण ही आ गए हैं। उद्धव जी वास्तव में देखने में कृष्ण जैसा लगते थे क्योंकि उद्धव अलग से कोई वस्त्र नहीं अपना बनवाते थे, जो भगवान का वस्त्र होता था कपड़ा, जो कृष्ण कपड़ा पहन करके छोड़ते थे उसी वस्त्र को उद्धव जी पहनते थे, उद्धव उन्हीं के कपड़ा को उन्हीं के वस्त्र को पहनते थे। तो उद्धव जी का वस्त्र भी पीला पीला है और नंद बाबा जब उद्धव को देखे तो देख करके उनको आलिंगन किए। भोजितम परमानेन सविष्टम कशिपौ सुखम गतश्रमम परिप्रेक्षत पाद संवाहनादि भी, परम अन्नेन भोजितम, उत्तम अन्न का भोजन करा के उद्धव जी को उत्तम अन्न का भोजन कराए। परम अन्न, परम अन्न माने बहुत सुंदर चावल, अन्न मतलब चावल होता है तो चावल का भोजन कराए, बासमती चावल, इस समय बासमती ही ना सबसे बढ़िया माना जाता है, तो उससे भी कोई अच्छा चावल है बंगाल में बताइए, अच्छा गोविंद भोग, तो जो भी हो बासमती गोविंद भोग जो भी मतलब जिसमें ज़्यादा स्वाद हो, जो सबसे सुंदर अन्न हो उसको नंद बाबा ने खिलाया क्योंकि प्रिय व्यक्ति आए हैं, उद्धव से बहुत प्रेम कर रहे हैं नंद बाबा। भोजन करा के कशिपौ पलंग पर
उनको बैठाए बहुत सुंदर पलंग पर, बहुत अच्छे पलंग पर, सुखम संविष्टम, बड़े आनंद के साथ में जब उद्धव जी बैठ गए और पाद संवाहनम आदि भी गतश्रमम परिप्रेक्षत, उनका जो भी सेवा होना चाहिए वो सब सेवा करने के बाद में जब उद्धव जी का सारा थकान दूर हो गया तब उनसे समाचार पूछेंगे नंद बाबा। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी के यहाँ जाता है ये सीखना चाहिए, खास करके गृहस्थों को ये जानना चाहिए कि अगर घर में कोई व्यक्ति जाता है, कोई अतिथि आता है, तो आते ही उससे समाचार नहीं पूछना चाहिए। ये नहीं कि आए और पूछना चाहिए ठीक हो क्या समाचार है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उस व्यक्ति को क्रोध आएगा, ये क्या पूछ रहा है, मैं हजारों किलोमीटर चल करके आया हूँ और आते ही समाचार ठीक है। आते ही पहले तो उसको जलपान कराना चाहिए, खूब सुंदर ढंग से उसको खिलाना पिलाना चाहिए, हो सके तो क्या करना चाहिए कि गाय का दूध है, पॉकेट वाला नहीं और जर्सी गाय का दूध नहीं, कौन दूध है, देसी गाय का, जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध है, देसी गाय का घी और देसी गाय का दही, इन तीनों को मिला करके उसमें शहद मिलाना चाहिए, मिश्री मिलाना चाहिए, इलायची मिलाना चाहिए और इन सब को एक में मिला करके उस व्यक्ति को पीने के लिए देना चाहिए। तो जब चल करके जो आया है ना उसका सारा थकान दूर हो जाता है। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को ऐसे ही किए थे, जब गर्गाचार्य जी गए थे नंद बाबा के यहाँ नामकरण करने के लिए, वसुदेव जी ने भेजा था, तो गर्गाचार्य जी जब देखे तो उनको देख करके तम दृष्टवा परमः प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि, पहले तो देख करके प्रसन्न हुए नंद बाबा, खुश हो गए कि मेरे यहाँ साधु आए हैं। और आजकल गृहस्थ साधुओं को देखते हैं तो कहते हैं कहीं रसीद लेकर के आया, हमसे चंदा तो नहीं ना मांगेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, रसीद बुक देखना चाहिए तो गृहस्थों को खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा आया है, मैं तो आलसी व्यक्ति हूँ, राधा माधव के मंदिर में जा नहीं पाया, लेकिन कम से कम ये बेचारे महात्मा लोग हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हैं, चलो ठीक है, उसके रसीद में लिख देना चाहिए, कुछ दान दे देना चाहिए। जो गृहस्थ साधुओं को दे करके, ब्राह्मणों को दे करके खुश होता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी के घर में साधु वैष्णवों का चरण पड़ता है तो उन गृहस्थों का घर सार्थक माना जाता है, धन्य माना जाता है, सफल हो जाता है। तो गर्गाचार्य जी को देकर के नंद बाबा खुश थे, आज उद्धव को देकर के प्रसन्न है। उद्धव जी को देखे तो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उनको, और आने के बाद में सबसे पहले उद्धव जी की सेवा किए, बढ़िया से सेवा करके उनको सुंदर पलंग पर बैठा दिए, जलपान आदि करा लिए, सारा थकान जब दूर हो गया, थकान दूर होने के बाद में गतश्रम, उनका श्रम दूर हो गया, तब परिप्रेक्षत अब पूछना चालू करते हैं। तो जो पूछना चालू किया इसको हम लोग कल से सुनेंगे, ठीक है ना, अब क्या पूछ रहे हैं इसको आप लोग कल सुनिएगा, आज नहीं। अब इसी प्रसंग पर मैं 3 दिन कथा करूंगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, हम आचार्यों के भाव यहाँ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि समय भी अपने पास नहीं है और ज़्यादा बोलने में हम कथा आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको सुनिए, बहुत दिव्य प्रसंग है। ध्यान देना आप लोग कि इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, भागवत तो कभी भी सुनेंगे तो फल देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, कार्तिक में भागवत कथा को सुनता है, तो 18 पुराण सुनने का फल मिल जाता है, 18 पुराण कथा सुनने का फल मिलता है। और दूसरी बात कि सबसे उत्तम श्रोता उसको कहा जाता है कि वक्ता से पहले आ जाना चाहिए और वक्ता के उठने के बाद में जाना चाहिए, ये उत्तम श्रोता का लक्षण है, उत्तम श्रोता उसको कहते हैं। अभी प्रभु जी अलाउंस करेंगे, इसको भी सुनना चाहिए, ये सब भागवत का ही अंग है और हमको जो समय दिया गया है
मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि अपने समय से 2 मिनट पहले बंद कर दूँ, क्योंकि मैं किसी के समय लेना नहीं चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज एक शिक्षा दिए हैं कि समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो मुझे 6:30 बजे का समय दिया गया है बंद करने का, तो मैं बिल्कुल समय से बंद कर रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों का समय मैं ले लिया हूँ, इसलिए समय से बंद किया हूँ। आप लोग ध्यान दे करके सुनिए और प्रतिदिन समय से कथा में आइए। इस कथा का बड़ा महत्व है। अगर कोई कार्तिक में भागवत सुनता है तो विशेष 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 फल मिलता है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, बोलिए अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। सुधि भक्त वृंद, আপনাদের চরণ কমলে আমি অনুরোধ করব, অল্প সময় একটু অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ অনুষ্ঠান শেষ হয় অপেক্ষা করুন। তো এখন আমি কয়েকজনের নাম ঘোষণা করব, যাদের নাম ঘোষণা করছি। মুকুন্দ দাস প্রভু, যিনি এই ভাগবত সেবার জন্য 5,000 টাকা দিয়েছেন, তাকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং বিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষ, যিনি 1,001 টাকা দিয়েছেন, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। সুদেবী শান্তা দেবী দাসী, যিনি 1,000 টাকা দিয়েছেন, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। চঞ্চল কুমার সরকার, যিনি 1,000 টাকা দিয়েছেন, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। মনোজা আন্ডু হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছেন, 500 টাকা দিয়েছেন, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য। শ্রী শ্রীমদ ভক্তি চারুষ মহারাজের উদ্দেশ্যে একজন মাতাজি গুপ্তদান দিয়েছেন 500 টাকা। আর মিনতি দেবী কৃষ্ণ দাসী, তিনি 5,000 টাকা দিয়েছেন, যদিও তিনি এখানে নেই। মিনতি দেবী দাসী, মিনতি দেবী কৃষ্ণ দাসী, যিনি এখানে নেই, তার স্বামী তার উদ্দেশ্যে আজকে তার জন্মদিন, জন্মদিন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি এই ধরাধামেই নেই, তিনি ভগবত সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। তার উদ্দেশ্যে তার স্বামী 5,000 টাকা দিয়েছেন। এবং আমাদের কমিটির সদস্য যদুপতি দাস 7,000 টাকা দিয়েছেন। সকলকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। হরে কৃষ্ণ। এবং প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। হরে কৃষ্ণ। মুকুন্দ দাস মহাশয়, যিনি 5,000 টাকা দিয়েছেন, আপনারা সকলেই চেনেন, আমাদের শ্রীধাম মায়াপুর নিবাসী মুকুন্দ প্রভু, সকলের উদ্দেশ্যে একবার হরি বল। হরে কৃষ্ণ। বিশ্বনাথ ঘোষ, তিনি এখানে যদিও নেই, তিনিও স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুপর্ণা রাধিকা দেবী দাসী, তাকে অনুরোধ করব মঞ্চে এসে প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। সুদেবী শান্তা দেবী দাসী আছেন এখানে। চঞ্চল কুমার সরকার, যিনি 1,000 টাকা দিয়েছেন। বনজা আন্ডু হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছেন, 500 টাকা দিয়েছেন। গীতা দেবী দাসী, গীতা দেবী 500 টাকা দিয়েছেন হায়দ্রাবাদ থেকে, দয়া করে মঞ্চে আসুন। লক্ষ্মী দেবী দাসী, মায়াপুর নিবাসী লক্ষ্মী দেবী দাসী, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং মিনতি দেবী কৃষ্ণ দাসী, যিনি এখানে নেই, তিনি স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তার জন্মদিন উপলক্ষে 5,000 টাকা দিয়েছেন। এবং যদুপতি দাস 7,000 টাকা দিয়েছেন। জয় যদুপতি প্রভু কি জয়। হরে কৃষ্ণ। আসুন আমরা এদের উদ্দেশ্যে, যারা এইরকম মহৎ সেবায় সৎ উপায়ে অর্জিত ধন ভগবানের সেবার জন্য, ভক্তের সেবার জন্য দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করব। যারা চলে গেছেন তাদের আত্মার সদ্গতির জন্য,
जरा आछेन तादेर धन सम्पत्ति एइभावे जानो उत्तरोत्तर बृद्धि पाए एवं एइभावे भगवत सेवाय लागाते पारेन तार आत्मीय स्वजन जे जेखाने आछे तारा जानो कृष्णमय जीवन जापन करते पारेन सकलेर उद्देश्ये एकबार आमरा सकले मिले भगवानेर काछे प्रार्थना करब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले कृष्ण चंद्र भगवान की बोले गंगा मैया की हरे कृष्णा और जरा ये भगवत सेवार जन्य अनुदान दीते चान मंचेर प्रवेश द्वारेर पाशे आमादेर बूथ रयेछे ओखाने आपनादेर दान बा अनुदान आपनारा दीते पारेन एखन भागवतमेर महाआरती हबे जारा अनुदान दिएछेन दया करे आपनारा लाइने दाड़िये जान एई भागवतमेर आरती करुन एबं मानव जीवनके धन्य करुन हरे कृष्ण एरपरे रयेछे गंगा मातार महाआरती आपनारा पूर्ण এই আরতি দর্শন করুন মঙ্গলময় আরতি দর্শন করে মানব জীবনকে ধন্য করুন হরে কৃষ্ণ আরতি অতি পাবন পুরাণ কি আরতি অতি পাবন পুরাণ কি आरती अति पावन पुराण की आरती